जैन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विदाउट स्ट्रेस। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख लिया था। हम लोगों ने देखा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड कॉन्सियसनेस। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा था टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या होता था? टैक्सोनॉमी एक ब्रांच होता था जो क्लासिफिकेशन के साथ डील करता था विथ रिस्पेक्ट टू सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे वो कौन थे? कार्लोस लिनियस। इसके बाद फ्रेंड्स, जब हम लोग टैक्सोनॉमी के साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी पढ़ते हैं तो उसको हम लोग देखे थे, बोले थे सिस्टमैटिक्स। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि टैक्सोनॉमी के अंदर चार चीज आता है। जो फर्स्ट था हमारे पास, वो था हमारे पास कैरेक्टराइजेशन। तो कैरेक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते थे? सिंपली किसी भी चीज़ जिसको हम लोग को फाइंड करना है, और मीन्स को फाइंड करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक को लिस्ट आउट कर लेते थे। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने देखा कि दूसरा जो चीज़ था वो था आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हम लोग क्या करते थे? सिंपली किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म जिसको हमको फाइंड करना है उसका कैरेक्टरिस्टिक को ले लेते थे, और जितने भी नोन ऑर्गेनिज्म हैं जो पहले से खोजे जा चुके हैं उनके साथ कंपेयर करते थे। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि अगर वो ऑर्गेनिज्म नया हो तो हम उनका नाम दे देते थे विद द हेल्प ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का हम लोगों ने देखा कि वो दो टाइप के होते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। और उस वीडियो में, लास्ट वीडियो में, हम लोगों ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को ही स्टार्ट किया था, और इस वीडियो में हम लोग मेनली क्या करेंगे? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम एंड विद फुल एनर्जी, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर को किसने बताया था हम लोग को? बताया था हम लोग को बुहिन ने सबसे पहले प्रपोज किया था कि ऐसे भी नामकरण किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले यूज किसने किया था? वो किया था हम लोग के कार्लोस लिनियस ने। कार्लोस लिनियस ने क्या किया था कि सबसे पहले एक बुक अपने पब्लिश कर दिया था जिसमें बहुत सारे प्लांट के नोमेनक्लेचर के बारे में बताया गया था, और उस बुक का नाम था स्पेसिफिक प्लांटरम। उसके बाद फ्रेंड्स, दूसरी बार भी इन्होंने यूज किया था, और अपने नेक्स्ट बुक में जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरा, और इसने एनिमल का, बहुत सारे एनिमल का नोमेनक्लेचर कर दिया था। उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोगों ने कुछ लॉ के बारे में देखा था जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि जो पहला लॉ था कि सारे नेम्स जो वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाएंगे। फिर दूसरा लॉ था कि जो पहला जेनेरिक नेम होगा उसका स्टार्टिंग क्या होगा? कैपिटल से, और स्पेसिफिक एपिटेट का जो स्टार्टिंग होगा वो स्मॉल लेटर से होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, जब हम लोग हाथ से लिखेंगे, कॉपी और पेन से लिखेंगे, तो यहाँ पर जो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा दोनों वर्ड को। और जब हम लोग प्रिंटेड लिखेंगे, इटैलिक्स में उसको लिखना पड़ेगा। और हम लोग लास्ट रूल देखे थे कि हम लोग किसी भी साइंटिस्ट का नाम या डिस्कवरर का नाम, जो इस नाम को फाइंड किए उसको बगल में ऐसे लिख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक और नए टर्म के बारे में जानेंगे, बायोलॉजिकल नेम। तो बायोलॉजिकल नेम वो नेम होता है जिसमें जेनरिक नेम तो हो ही हो, साथ में स्पेसिफिक एपिटाइट भी हो। अगर ये दोनों चीज प्रेजेंट है एक नेम में तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल नेम। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग डिफरेंट केसेस देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो पहला जो हमारे पास केस है, मान लो फ्रेंड्स, अगर एक ऑर्गेनिज्म है और उसको दो साइंटिस्ट ने उसका नाम दे दिया। मान लो, एक एग्जांपल से मैं तुमको समझाता हूँ। फंगी है, फंगी वाइट रस्ट। अगर एक ऑर्गेनिज्म है फंगी वाइट रस्ट, उसको क्या किया कि दो साइंटिस्ट ने उसका नाम दे दिया, एल्बिगो कैंडिडा और साइटोपस। तो ये दो नाम उसको मिल गया फंगी को। तो हम लोग के मन में आएगा कि किसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और किसको हम लोग छोड़ देंगे। मान लो कि अगर ये साइंटिस्ट इंडिया का है तो इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, या चाइना का तो इसको नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर इसी प्रॉब्लम को ना हो, इसके लिए हम लोग को एक रूल बना दिया गया है जो हम आगे देखेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम, जितने भी ऑर्गेनिज्म, मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म है उसके 10 नाम हो गए या बहुत सारे अनगिनत नाम हो गए, तो जो सबसे पहले यूज किया गया नाम को, जो सबसे पहले जो नाम दिए जो साइंटिस्ट, उसी को हम लोग वैलिड मानेंगे, और बाकी सारे जितने भी हैं उसको साइनोनिम्स कहेंगे। और तो इस केस में क्या है, साइटोपस इसका सबसे पहले नाम मिला था, इसीलिए हम लोग साइटोपस को वैलिड मानते हैं, और बाकी एल्बिगो कैंडिला इसको हम लोग कहेंगे साइनोनिम्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि साइनोनिम्स होता क्या है। तो साइनोनिम्स इन टैक्सोनॉमी, व्हेन मोर देन वन नेम्स आर गिवन टू सेम ऑर्गेनिज्म, देन द वन व्हिच इज प्रपोज फर्स्ट इज कंसीडर्ड वैलिड एंड अदर आर कंसीडर्ड साइनोनिम। तो वही जो पहली बार जिस ऑर्गेनिज्म को जो नाम दिया जाएगा वही वैलिड माना जाएगा, और बाद में जितने भी नाम दिए जाएंगे उसको साइनोनिम्स कहा जाता है। साइनोनिम्स का हिंदी मतलब होता है पारिभाषिक शब्द, मतलब एक शब्द के बहुत सारे नाम।
तो दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, जिसमें हम लोग पहली बार जो नाम आएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, वैलिड मानेंगे, और दूसरी बार और तीसरी बार या बहुत जितने बार नाम आएंगे सबको हम लोग साइनोनिम्स कह देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग केस टू लेते हैं। केस टू में क्या होगा कि एक नेम होगा लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को दे दिया जाएगा। उस केस वन में हम लोग क्या देख रहे थे कि एक नाम था, एक ऑर्गेनिज था, उसको डिफरेंट नेम दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर एक नेम है और डिफरेंट ऑर्गेनिज को दिया जा रहा है। तो ये केस है वो है प्रूनस डल्सिस का। तो प्रूनस डल्सिस में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज को नाम दे दिया गया, पहला था जो एलमोंड मतलब बादाम और दूसरा है प्लम, प्लम मतलब बैर। तो अब हम लोग के पास यहाँ पर क्वेश्चन आता था कि किसको हम लोग एक्सेप्ट करें और किसको हम लोग छोड़ दें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वही रूल लगता है, जो पहली बार जिस ऑर्गेनिज को नाम दिया जाएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, और जो दूसरी बार ऑर्गेनिज को नाम दिया जाएगा उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे होमोनिम्स इसको कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहते थे, साइनोनिम्स कहते थे, इसको हम लोग कहेंगे होमोनिम्स। तो होमोनिम्स क्या होता है उसको देखते हैं। तो व्हेन वन और मोर ऑर्गेनिज्म आर गिवन द सेम नेम इट कंसीडर वैलिड फॉर ऑर्गेनिज्म टू व्हिच द नेम वाज गिवन फर्स्ट। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं केस थ्री। तो केस थ्री में हम लोग क्या करेंगे, पहले सारे एग्जाम्पल को देखेंगे फिर कंक्लूड करेंगे कि क्या ये कहना चाहता है। तो देखो फ्रेंड्स पहला जो है रेड, तो रेड को हम लोग सिंपली इसका साइंटिफिक नेम होता है रेटस रेटस, तो रेटस रेटस इसका साइंटिफिक नेम होता है। वैसे ही गोरिला, तो गोरिला का जो साइंटिफिक नेम होता है वो भी क्या होता है, गोरिला गोरिला। फिर कोबरा, तो कोबरा का हम लोग जनरली कहते हैं कि तुम मत आओ मेरे पास, मत आना कोबरा से हम लोग क्योंकि डरते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम के टर्म्स में बात करें तो उसको कहते हैं ना जा, तुम मत जा, ऐसा कुछ होता है, आप इसे भी याद कर सकते हैं। फिर ट्रोड एक तरह के टाइल्स में आते हैं जो फ्रॉग की तरह ही दिखते हैं, तो उसका नाम होता है ब्यूफो। फिर फ्रेंड्स फिफ्थ नंबर में देखो क्या है, आउल मतलब उल्लू का जो नाम होता है वो ब्यूबो। फिर से ब्लैक बल्ब मतलब काला हिरन, जो सलमान खान वाला केस हुआ था उसमें, तो इसका जो नाम होता है गेजरीला। फिर रेड फॉक्स, तो रेड फॉक्स का जो नाम होता है भल्पिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तुम बहुत ही आसानी से देख रहे होगे कि एक ही मतलब यहाँ पर जो साइंटिफिक नेम आ रहा है उसमें दो बार हर चीज़ रिपीट हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं टोटोनॉमी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक मैंने जितना भी चीज़ आपको पढ़ाया, तो टेक्टोनॉमी में क्या होता है, टेक्टोनॉमी में होता है साइंटिफिक नेम विथ सेम जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिटाइट, मतलब साइंटिफिक नेम भी वही, जेनरिक नेम भी हो जाएगा वही और स्पेसिफिक एपिटाइट भी वही हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो टोटोनॉमी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, जूलॉजिकल नेम्स के लिए वैलिड होता है, लेकिन बॉटेनिकल नेम्स के लिए वैलिड नहीं होता है। जूलॉजिकल मतलब एनिमल्स के लिए सिर्फ ये वैलिड होगा टेटोनॉमी, लेकिन जो प्लांट के लिए ये लोग नहीं मानते। प्लांट वाले जो बॉटेनिकल वाले होते हैं वो कहते हैं नहीं, मैं ऐसे, हम लोग ऐसे नहीं कहते, वो अलग ही अलग देंगे हमेशा नाम को। तो दोस्तों यहाँ पर एक ट्रिक मैंने बना के रखा है, तो दोस्तों वो ट्रिक है जीएसटी, जिसे सारे लोग परेशान रहते हैं अधिकतर। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है, मतलब मान लो जी फॉर जीनस, एस फॉर स्पीसीज और टी फॉर टेटोनिम्स। फिर इसके बाद लास्ट हमारे पास जो है केस, और ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में से ये भी एक है, ऑटोनिम्स। तो ऑटोनिम्स क्या आता है, तो ऑटोनिम्स वो होता है जिसका स्पेसिफिक और एपिटेट और सब स्पेसिफिक वेराइटी सेम रहे, मतलब दोनों चीज़ सेम रहे। सब स्पेसिफिक वेराइटी अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इसी वीडियो में हम लोग ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर को भी आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखो क्या एग्जांपल से समझो, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, होमो सैपियन सैपियन। तो यहाँ पर जो सैपियन है वो क्या है, स्पेसिफिक एफिटिट है, और जो सैपियन एक और जो है वो है क्या है, सब स्पेसिफिक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या हो रहा है कि ये दोनों चीज़ सेम रह रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटोनिम्स। और इसमें भी देखो फिर गोरिला में देखो तीनों चीज़ सेम है, तो ये भी क्या है, एटोनिम्स। और ये सारी चीज़ों के लिए वैलिड होता है, ये बॉटेनिकल के लिए भी वैलिड होता है और जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए भी वैलिड हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जिस टॉपिक का, वो आ गया है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसको पहली बार हम लोगों को प्रपोज किया था लमार्क ने, या हुक्सले भी हम लोग कहते हैं। तो ज़्यादातर बुक में लमार्क दिया रहता है, कुछ बुक में हुक्सले भी दिया रहता है, तो आप एग्ज़ाम में
एक ही ऑप्शन देगा, अगर दोनों आता है तो आप लोग लेमार को टिक करके आ जाना। और उसके बाद फ्रेंड्स अब देखो क्या रहा है कि इसमें क्या होता है, तीन टर्म्स के नियम होते हैं। जैसे ट्राइनोमियल नाम ही से पता चल रहा है, ट्राई मतलब थ्री, उसमें बाइनोमियल में हम लोग क्या देखे थे, बाई मतलब दो, तो ट्राई मतलब तीन। तो इसमें तीन टर्म्स होंगे, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या होता है, जेनरिक नेम होता है, जो सेकेंड वर्ड होता है वो स्पेसिफिक एपिटेट होता है, और जो थर्ड वर्ड होता है वो सब स्पेसिफिक होता है, सब स्पीसीज होता है। और जैसे कि सब स्पीसीज इन एनिमल, हम लोग एनिमल में तो सब स्पीसीज कहते हैं, लेकिन प्लांट में हम लोग वेराइटी इसी को कह देते हैं। तो जैसे कि गोरिला, फिर जैसे कि ये क्या है, एक तरह से एटोनिम्स भी है, और ये सब स्पीसीज का एग्जांपल, ये जो चीज़ है वो सब स्पीसीज है, और इसमें ये जो चीज़ है वो सब स्पीसीज है। इसके ये क्रो को साइंटिफिक नेम है ये वाला चीज़ फ्रेंड्स। और ये प्लांट में जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेराइटी कहते हैं। यही चीज़ को जो हम लोग एनिमल्स में सब स्पीसीज कर रहे हैं, उसी चीज़ को हम लोग प्लांट में जब बात करेंगे तो उसको हम लोग वेराइटी कह देंगे। जैसे कि हम लोग कैवेज का नाम साइंटिफिक क्या होता है, ब्रासिका ओलेरेचिया वेराइटी, BAR का मतलब वेराइटी कैपिटिटा, ये कैवेज का साइंटिफिक नेम होता है। वैसे ही इसकी बहन कॉलीफ्लावर का भी नाम यही मतलब ऐसे ही होता है। यहाँ पर देखो सब स्पीसीज में डिफरेंट आ रहा है, ये दोनों सेम है, यहाँ पर सब स्पीसीज में अंतर आ रहा है। तो हम लोग प्लांट में क्या कहेंगे, सब स्पीसीज कहेंगे, और एनिमल में हम लोग क्या कहेंगे, वेराइटी कहेंगे। वैसे ही जब हम लोग बैक्टीरिया का बात करेंगे तो उसमें हम लोग स्ट्रेन कहेंगे। स्ट्रेन का मतलब ही होता है सब स्पीसीज, मतलब जैसे कि सब स्पीसीज को हम लोग, और जब बैक्टीरिया के केस में कहेंगे स्ट्रेन कह देते हैं, और कुछ ऐसा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक बैक्टीरिया का नाम लेते हैं एस्चेर्चिया कोली RY13, ये है एक बैक्टीरिया का स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग रूल्स देखते हैं, रूल्स फॉर थर्ड वर्ड क्या, थर्ड दो वर्ड तो सारे जितने भी रूल्स उसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में होते थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो अब थर्ड वर्ड है उसके लिए क्या रहेगा। तो पहला जो रूल है वो सेम है कि अगर हम उसको हाथ से लिखते हैं तो उसके हैंड राइटिंग मतलब अंदर हम लोग अंडरलाइन करेंगे, लेकिन अगर इटैलिक्स में लिखते हैं तो मतलब प्रिंटेड में लिखते हैं तो उसको इटैलिक्स में लिखेंगे। फिर जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा प्लांट और एनिमल के केस में, लेकिन बैक्टीरिया केस में ये स्मॉल से भी स्टार्ट हो सकता है और कैपिटल से भी स्टार्ट हो सकता है। यही हमारे पास तीन रूल्स हैं ये थर्ड वर्ड के लिए। अब देखो फ्रेंड्स इस बुक इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गया है, डैट इज़ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है, उससे पहले हम लोग एक और टर्म के बारे में देखेंगे जो कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। तो देखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है, मान लो कैटेगरीज क्या होता है, तुमसे मैं पूछूं कि कैटेगरीज क्या होता है। जैसे फर्स्ट क्लास है वो क्या है, एक कैटेगरीज है, सेकंड क्लास है वो भी क्या है, कैटेगरीज है। तो फ्रेंड्स देखो फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास में वही बच्चे होंगे जनरली जो जिनका एज होगा 8 ईयर्स 9 ईयर या 7 ईयर, इन्हीं के बीच के एज के बच्चे आते हैं। और जो सेकंड क्लास होगा उससे थोड़ा ज़्यादा जिसका एज होगा मतलब 10 ईयर्स से और कम मतलब 9 से 10 ईयर के बीच में जो बच्चे होंगे वो सेकंड क्लास में होंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को सिमिलैरिटी के बेसिस पे उनको क्लासिफाई कर दे रहे हैं एक ग्रुप में, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है, ग्रुप इन विच ऑर्गेनिज्म आर प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर्स। तो जब भी हम लोग कैरेक्टर के बेसिक पे किसी चीज़ को ग्रुप में डाल देंगे सिमिलैरिटी के बेसिस पे, तो हम उसको क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं और टुगेदर हम मतलब हम सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को एक साथ रखते हैं, चाहे वो असेंडिंग फॉर्म में हो चाहे वो डिसेंडिंग फॉर्म में हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को भी दो टाइप में फर्दर क्लासिफाई किया गया है, ऑब्लिगेट और इंटरमीडिएट। तो ऑब्लिगेट कैरेक्टरिस्टिक कैटेगरीज क्या होता है, तो कार्लस लिनियस ने क्या किया था पहली बार कि पांच हम लोग को चीज दिया था, पांच ग्रुप दिया था, जिसमें पहला था क्लास ऑर्डर ग्रुप स्पीसीज और वेराइटी। तो इसमें से क्या किया गया, वेराइटी को कैंसिल आउट कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया और तीन और ऐड कर दिया गया, किंगडम फाइलम और फैमिली। तो इससे मिलकर वो सात बन गए। तो ऑब्लिगेट कैरेक्टर्स हमारे पास होते हैं सात, इसको हम लोग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स नेक्स्ट पेज में। तो दोस्तों यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ट्रिक मैंने बताया और बहुत ही आसान ट्रिक है, इस ट्रिक को हम याद करेंगे कि गर्मी के दिन में क्या होता है, हम लोग मटके का यूज करते हैं, मटके को क्या करते हैं, हम लोग हमेशा साफ करते हैं, साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो मटका गंदा हो जाएगा और फिर हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो यही ट्रिक है हमारा और इसी से हम बहुत ही आसानी से इसको याद करेंगे। तो दोस्तों देखो ट्रिक है कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, मतलब पॉट को क्लीन रखो नहीं तो जो परिवार है वो बीमार हो जाएगा। तो
की जो है उससे हम लोग क्या याद कर सकते हैं, किंगडम। पी का पोर्ट का पी से हम लोग फाइलम याद कर सकते हैं, और एनिमल के केस में यही फाइलम को हम लोग क्या कहते हैं, डिवीजन भी कहते हैं। और फिर से यही जो क्लीन में से सी से हम लोग, सी एल से हम लोग क्या याद कर सकते हैं, क्लास, और से ऑर्डर, फैमिली को हम लोग पूरा फैमिली से याद रखेंगे, फिर गेट्स का हम लोग जीनस से याद रखेंगे, और सीक का हम लोग एस का स्पीसीज से याद रखेंगे। ये जो ट्रिक है मेरा बनाया हुआ नई ट्रिक है, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना ट्रेडिशनल विंटेज ट्रिक है, इसे ही सारे लोग लगभग याद करते हैं। तो यही सारे जो 7 कैरेक्टरिस्टिक है जब मिल जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टरिस्ट। तो फ्रेंड्स, जो किंगडम होता है हम लोग का हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैरेक्टरिस्ट होता है, इसमें सबसे बड़ा हम लोग का कुछ भी होता है तो वो होता है किंगडम, और सबसे छोटा तो स्पीसीज, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब फ्रेंड्स, अब देखो इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। जब भी हम मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ये एरो देख रहे होंगे आप, ये वाला एरो, तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जो डिक्रीज होने लगता है। इसको मैं तुमको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मान लो पैंथरा लियो है और पैंथरा लिजार्ड है, तो दोनों में क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब दोनों क्या होंगे, दहाड़ सकते हैं, फिर से मांसाहारी होंगे, मीट वगैरह खाते हैं, तेज़ दौड़ सकते हैं, तो ये सारे में लेकिन कॉमन होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग ऊपर चले जाएंगे, हम लोग जब कंपेयर करेंगे एक शेर को एक गाय की तरह, गाय से जिनका अलग अलग सारे चीज़ हैं, तो वो अलग होते चले जाएंगे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक उनमें नहीं बचा जाएगा, लेकिन जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक अब बात करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। मान लो कि क्लास है, तो क्लास में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगा, जनरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगा, कि मतलब जैसे कि हम लोग का ही क्लास है, हम लोग मान लो कि ह्यूमंस का एक क्लास है और सेम ही वही क्लास में आते हैं, हाइपोथेटिकली बात मैं कर रहा हूँ, एग्जांपल के लिए तुमको बता रहा हूँ कि ह्यूमंस का भी क्लास सेम है और मान लो कि गोरिल्ला वगैरह का भी क्लास सेम ही होता है, मतलब असली में सेम ही होता है, तो उसमें हम लोग में कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक कॉमन रहेंगे, कि हम लोग के क्या होता है, हम लोग खाना वगैरह को खा सकते हैं, हम लोग में हेयर होता है, टीथ होता है, हम लोग में मेमोरी ग्लैंड होता है, फीमेल्स के केस में वो एक्टिव रहता है, फिर ऐसे कुछ कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक कॉमन रहेंगे, लेकिन हम लोग आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन वैसे ही जब हम लोग ऊपर के नीचे और आएंगे तो वहाँ पर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बढ़ते चले जाएंगे और जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो डिक्रीज करते चले जाएंगे। तो यही हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो एनसीईआरटी बुक में दिया है और कुछ ट्रिक्स देखेंगे जिससे हम लोग एग्जाम्पल को बहुत ही ईजी वे में याद कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाउस फ्लाई, जो घर में घूमते रहती है मक्खी, तो उसका जो साइंटिफिक नेम होता है क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका, और वो क्या प्रोड्यूस करती है, भिन 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 आवाज़ प्रोड्यूस करती है, एक तरह से म्यूजिक प्रोड्यूस करती है। तो ये ट्रिक हमारा हो जाएगा, म्यूजिक दिया, म्यूजिक वो क्या करती है, देती है, तो इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों देखो, इसका जो किंगडम होगा वो क्या होगा, एनिमिलिया, फाइलम क्या होगा, आर्थ्रोपोडा, फिर क्लास क्या होगा, इंसेक्टा, ऑर्डर क्या होगा, डेप्टेरिया, फिर से फैमिली क्या होगा, म्यूजीडिया, इसका थी होगा फैमिली होगा, और जीनस क्या होगा, मस्का, और स्पीसीज क्या होगा, डोमेस्टिका। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, मस्का मतलब म्यूजिक, डोमेस्टिका एक तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। फिर क्या आ रहा है यहाँ पर देखो, डेप्टेरा ऑर्डर इसका क्या है, डेप्टेरा डी से स्टार्ट हो रहा है, फिर से इसका जो क्लास है वो क्या है, आई से स्टार्ट होगा, और ऐसे आर्थ्रोपोडा, तो दिया यहाँ पर ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो दूसरा हमारे पास है वो है हमारा ह्यूमन बींग्स का, जिसका साइंटिफिक नेम होता है क्या, होमोसेपियन। तो इसको, इसके लिए तो कुछ ट्रिक नहीं है, बहुत ही आसान है, आप आसानी से याद कर सकते हैं कि इसका जो किंगडम होता है वो क्या होता है, एनिमिलिया, फाइलम जो होता है कोडाटा होता है, क्लास जो होता है मैमेलिया होता है, ऑर्डर क्या होता है, प्रीमाटा होता है, फिर से फैमिली क्या होती है, होमिडी इसका फैमिली होती है, जीनस क्या होते हैं, होमो, और स्पीसीज क्या होते हैं, सेपियन। तो फ्रेंड्स, आपको ये सारी चीज़ों को याद रखना होगा क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है और इसके लिए इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, और ये एग्ज़ाम वगैरह में भी कभी कभी उठ के आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं मैंगो, जिसको सबको खाते हैं, सारे लोग खाते हैं, जो फलों का राजा होता है, तो ये प्लांट में आ रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, जो इसका किंगडम होता है वो क्या होता है, प्लांटी, फिर जो डिवीज़न हम लोग कहेंगे यहाँ पर, प्लांट के केस में फाइलम नहीं होगा, डिवीज़न होगा, तो इसमें जो डिवीज़न होता है
होता है वो क्या होता है एंजियोस्पर्मी, फिर क्लास क्या होता है डाइकोटिलेडंस, फिर ऑर्डर क्या होता है स्पिंडल्स, फिर फैमिली क्या होता है एनाकार्डिसिया, और फिर जो जीनस होता है मेंजीफेरा, और स्पीसीज क्या होता है इंडिका। इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, पैटसम पी फॉर ए, फिर ए, फिर डी, फिर से एस ए एम, और स्पीसीज हम लोग याद करेंगे इंडिका। तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ टैक्सोन, जिसको हम लोग रैंक भी करते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मतलब पूरे होल ईयर्स तक इसमें प्रॉब्लम रहता है, डाउट रहता है कि ये होता क्या है, लेकिन ये बहुत ही आसान चीज़ है। दोस्तों जैसा कि मैंने तुमको बताया टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या होते हैं, कैटेगरी क्या होता है, तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग एग्जांपल देते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो है जो सारे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, प्लांट जितने भी वो फ्लावर्स दे सकते हैं उसको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं, एंजियोस्पर्मी कहते हैं, और एक ये डिवीजन में आता है, मतलब एक डिवीजन ग्रुप में आता है। तो दोस्तों जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, मतलब एंजियोस्पर्म में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, एंजियोस्पर्म तो एक कैटेगरीज हो गया, एक ग्रुप हो गया, लेकिन इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे उसी को हम लोग टैक्सोन कहेंगे, रैंक कहेंगे, और इसका जो प्लुरल वर्ड होता है वो क्या होता है टैक्सा होता है। तो आपको टैक्सोन और टैक्सा में कभी कंफ्यूजन ना होना चाहिए। वैसे ही देखो फ्रेंड्स इंसेक्टा, इंसेक्टा एक क्या है, क्लास है, एक कैटेगरीज है, और उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे टैक्सोन कहेंगे या रैंक कहेंगे, और प्लुरल होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे टैक्सा कहेंगे। तो इंसेक्टा में क्या होता है तीन पैर जितने भी इंसेक्ट वगैरह का होता है उसको हम लोग कहते हैं इंसेक्टा, जैसे कि मच्छर हो गया, कॉकरोच हो गया, ये सारे चीज़। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है इंटरमीडिएट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। हम लोगों ने देखा ऊपर कि वहाँ पर दो तरह के होते हैं, पहला जो ऑब्लिगेट, दूसरा इंटरमीडिएट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो इंटरमीडिएट बहुत ही आसान है, देखो फ्रेंड्स क्या होगा, पहले होगा सुपर फाइलम, हम लोगों ने देखा फाइलम, तो उसमें सिर्फ हम लोगों ने देखा कि किंगडम, फाइलम ऐसा चल रहा था, लेकिन जब इंटरमीडिएट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होता है तो उसमें क्या होता है, पहले होता है सुपर फाइलम, फाइलम, फिर सब फाइलम, फिर वैसे ही सुपर क्लास, क्लास, फिर सब क्लास। लेकिन फ्रेंड इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात देने वाली बात है, ऐसे हमारा चलता रहेगा ऊपर से नीचे तक, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ होता है कि जब फैमिली में आते हैं तो सब फैमिली आता है, और उसके बाद ट्राइब आता है, और फिर आता है सुपर जीनस। तो ये जो ट्राइब वर्ड है इसके बीच में यही सिर्फ डिफरेंट है, और बाकी सब ऐसे चलता रहेगा कि सुपर सब, सुपर सब, लेकिन ये जो फैमिली के केस में आएगा ये वाला आपको एक बस ये वाला ऑर्डर याद रखना है, और सुपर और सब याद रखना है, और ये मोस्ट ऑफ द केस में नहीं आता है, मतलब हम लोग एक्सेप्ट ज़्यादा ऑब्लिगेट वाला ही लिखा करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं सारे चीज़ को थोड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, एक जितने भी हम लोगों ने कैटेगरीज पढ़े हैं सारे को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला जो है हमारे पास वो है स्पीसीज, और स्पीसीज को यहाँ पर देखो पैंथरा टाइगर टिग्रिस, जो कि टाइगर का क्या है साइंटिफिक नेम है, तो यहाँ पर जो टिग्रिस है वो क्या है स्पीसीज है, और स्पीसीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि स्पीसीज पे सारा चीज़ बेस्ड है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो स्पीसीज के बारे में और डिटेल पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैं नहीं रख पा रहा हूँ इसमें स्पीसीज को। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है जीनस। तो जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जीनस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि बहुत सारे सिमिलर स्पीसीज होते हैं, और उनको हम लोग क्या करते हैं लेकिन उसको एक जीनस में डाल देते हैं। एग्जाम्पल से समझे तो मान लो कि पैंथरा टिग्रिस जिसको हम लोग देखें टाइगर का साइंटिफिक नेम है, फिर पैंथरा लियो जो लायन का है, और पैंथरा पार्डस जिस पैंथर का नाम है, असली नाम पैंथर का पैंथरा पार्डस है। तो इसमें देखो फ्रेंड्स क्या हो रहा है, ये सारे चीज़ों का स्पीसीज अलग है अलग है, लेकिन ये सारे चीज़ों का जीनस जो है सेम है। तो इसमें हम लोग क्या, यहाँ पर जो टिग्रिस होगा वो तो मतलब जो टिग्रिस सिर्फ टिग्रिस से मतलब शेर जो है वो सिर्फ शेर ही से रिप्रोड्यूस कर सकता है, गैमेट्स फॉर्मेशन हो सकता है, वो लियो के साथ चाहे तो नहीं हो सकता है, लेकिन इनमें बहुत सारे ऐसे करेक्टरिस्टिक होंगे वो बहुत ज़्यादा सेम होंगे, लाइक कि वो बहुत ही तेज़ी से दहाड़ सकते हैं, बहुत ही तेज़ी से दौड़ सकते हैं, मीट वगैरह को खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से शिकार वगैरह कर सकते हैं। तो इसमें सारे बेसिक बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग एक सेम जीनस में डाल देते हैं जो है पैंथरा। तो इन सारे का जीनस जो होता है वो पैंथरा होता है। फिर फैमिली क्या होता है, बहुत सारे सिमिलर जीन्स जब होंगे तो उसमें हम लोग फैमिली कहेंगे, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पैंथरा, तो पैंथरा क्या होता था कि बहुत सारे उसमें टाइगर आता था, लायन आता था, और क्या आता था पैंथर आता था। वैसे ही फिलिस एक कैट का मतलब कैट का एक जीनस है, और ये जो जब दोनों ये एक साथ आते हैं तो हम लोग उनको क्या कह देते हैं डायरेक्ट फिलेडी। तो इसमें भी कुछ देखो फ्रेंड, जैसे कि फिलिस और
जैसे बिल्ली है और शेर, हम लोग भी ऐसे जनरली भी कहते हैं कि मौसी होती है बिल्ली जो होती है शेर की मौसी होती है, तो वहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन असली में भी वो क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि फैमिली उन लोग का सेम हो जा रहा है, फैमिली एक ही फैमिली में सारे आ जाते हैं। अब मान लो कि अब बिल्ली है और डॉग है, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा अंतर हो जाता है, तो इसीलिए हम डॉग और बिल्ली को एक फैमिली में नहीं रखते हैं। फिर ऑर्डर, ऑर्डर में क्या होता है, बहुत सारे सिमिलर फैमिलर फैमिलीज आते हैं, लाइक फिलाडी मतलब वो वाला, और बिल्ली वाला, और ये कैंडली जिसमें बहुत सारे कार्निवोरस एनिमल आते हैं, तो इन दोनों को मिला के हम लोग बोल देते हैं कार्निवोरा। इसके बाद फ्रेंड्स वही क्लास है, वैसे ही सिमिलर ऑर्डर्स जब साथ में आते हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं क्लास। तो इसमें क्या होते हैं दो, जैसे कि एग्जांपल समझे तो कार्निवोरा जिसमें बहुत सारे हम लोगों ने देखा है ऊपर कि फिलिडिया और कैनिडिया आते हैं, ऐसे ही यहाँ पर क्लास में आता है कार्निवोरस और प्रीमेटा, प्रीमेटा में हम लोग भी आते हैं मैंस एप गोरिला, तो वैसे ही मैमेलिया बन गया। ये सारे आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। वैसे ही फाइलम, बहुत सारे सिमिलर क्लास आके मिले तो फाइलम बना दिया, जैसे मैमेलिया और एप्स, एप्स में बहुत सारे क्या आते हैं एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, फिश आते हैं, ये सारे एप्स में आते हैं, फिर ये मिलाकर बना देता है कोडाटा। फिर वैसे ही बहुत सारे फाइलम मिलते हैं तो एक किंगडम बनता है, विथ एग्जाम्पल समझे तो यहाँ पर एनिमिलिया एक किंगडम है जो कि 11 फाइलम से बना है, और इसका हम लोग डिटेल जानेंगे और आगे क्लास में बढ़ते चले जाएंगे, चैप्टर में बढ़ते चले जाएंगे, तो ये सारी चीज़ हम जानते चले जाएंगे। अभी आपको बस यही सारी चीज़ को याद रखना है कि जब सिमिलर फाइलम मिलता है तो किंगडम बनता है, सिमिलर फिर से जब क्लास बनता है तो फाइलम बनता है, सिमिलर ऑर्डर बनता है तो क्लास बनता है, वैसे ही जैसे सिमिलर फैमिली आते हैं तो ऑर्डर बनता है, सिमिलर जीनस आते हैं तो फैमिली बनता है, सिमिलर यहाँ पर फैमिली आते हैं, सिमिलर यहाँ पर ग्रुप स्पीसीज आते हैं तो जीनस बनता है, और स्पीसीज तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने ही वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पीसीज के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानेंगे, फिर से बहुत सारे बायोलॉजिकल एड्स वगैरह को भी देखेंगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अगर इंजॉय कर रहे हैं तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, और अपने फ्रेंड में भी शेयर करो ताकि अपने भी सब्सक्राइबर कुछ बढ़े, फैमिली बढ़ी हो, और वो भी लोग कुछ अपनी तैयारी को आराम से कर रहे हैं। और बेल आइकन को क्यों नहीं दबाए हो, बेल आइकन को जरूर से दबाओ कि फर्दर अपडेट नोटिफिकेशन जितने पहुँचते रहें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।